हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जानिए गलवान घाटी में 16 बिहार रेजिमेंट के बदले अब कौन सी रेजिमेंट को किया जा रहा है तैनात। इस साल के अंत तक पहली बार एक साथ आ सकती हैं भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज। इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 फाइटर्स को मिल रही है नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटीज। भारत से हार के बाद चीन ने फिर से बदली अपनी चाल और अमेरिका ने लिया चीन के खिलाफ एक और बड़ा फैसला। दोनों देशों के बीच बढ़ सकता है तनाव। पंद्रह जून की रात को गलवान घाटी में चाइनीज ट्रूप्स को सबक सिखाने वाली इंडियन आर्मी की बहादुर 16 बिहार रेजिमेंट को अब पूर्वी लद्दाख की फॉरवर्ड लोकेशंस पर उनका कार्यकाल खत्म होने पर उन्हें अब पीस टाइम स्टेशन में मूव कराया जा रहा है और अब इनके बदले यहां पर 1 बिहार रेजिमेंट को तैनात किया जाएगा। हालांकि जो 16 बिहार रेजिमेंट है, इसका इस जगह पर कार्यकाल अप्रैल के महीने में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर चाइनीज वायरस के चलते जो लॉकडाउन की स्थिति बनी थी और जिसके बाद मूवमेंट पर रोक लगाई गई थी, तो उसी के चलते ये रेजिमेंट गलवान घाटी पर ही तैनात रही। लेकिन अब 16 बिहार रेजिमेंट को पूर्वी लद्दाख के इस फॉरवर्ड लोकेशन से हैदराबाद में स्थित पीस लोकेशन पर शिफ्ट किया जा रहा है। हालांकि गलवान के फॉरवर्ड लोकेशंस पर जो तनाव की स्थिति है वो अभी भी वैसी ही बनी हुई है और आने वाले कुछ सप्ताह में ग्राउंड पोजीशंस की एक फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी। बाकी अगर आप इंडियन आर्मी के बिहार रेजिमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और जबकि इसके अलावा भारत द्वारा गलवान घाटी पर चाइना के दावे को एक बार फिर से खारिज कर दिया गया है और कल शुक्रवार को दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक लेवल की बातचीत हो सकती है। और अभी हाल ही में सीमा पर जो डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस चल रही है उसके रिगार्डिंग जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, उनके मुताबिक इंडिया चाइना बॉर्डर पर पेंगोंग सेक्टर पर भी डिसएंगेजमेंट की प्रोग्रेस देखी गई है। और इन इमेजेस में चाइनीज बोट्स, अर्थ मूवर्स और कैंप्स की फिंगर फोर के बीच एरिया, जिसे द फॉक्स होल के नाम से जानते हैं, वहां पर से भी पीछे हटने के संकेत मिले हैं। हालांकि अभी इस पर और भी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपनी एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज में अमेरिका और जापान के साथ अब अपने चौथे क्वाड मेंबर ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित करने की योजना बना रहा है, जो कि एक तरीके से चीन के लिए सीधा संदेश होगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया इस एक्सरसाइज में शामिल होता है तो ऐसा पहली बार होगा जब क्वाड के सारे मेंबर्स इस क्षेत्र में संयुक्त रूप से एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित करेंगे। और यह एक्सरसाइज इस साल के अंत तक बे ऑफ बंगाल में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों की नेवीज को एक साथ लाएगी। और ऐसी उम्मीद है कि अमेरिका और जापान के कंसल्टेशन और साथ ही भारत सरकार के फाइनल क्लियरेंस के साथ अगले सप्ताह तक ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से चीन को LAC पर अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं, तो इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो अपने दूसरे चैनल डिफेंस साइट में अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और जबकि एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी के साथ करीब 20 मिनट तक टेलीफोन पर बातचीत की है। और जबकि पिछले कुछ सप्ताह में चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स द्वारा कई बार एयर स्पेस का उल्लंघन किए जाने के बाद अब अमेरिका ने ताइवान के PAC-3 सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बैटरीज को अपग्रेड और रिफर्बिश करने का फैसला लिया है। गुरुवार को इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक रशियन स्पेशलिस्ट ने इंडियन नेवी के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य को चाइनीज वायरस महामारी के बावजूद अपनी मेंटेनेंस सर्विस देना जारी रखा है। और जो रशियन टेक्निकल स्पेशलिस्ट का ग्रुप है, उन्होंने चाइनीज वायरस महामारी के बावजूद भी देश को नहीं छोड़ा है और वे अभी भी इंडियन नेवी के INS विक्रमादित्य को अपनी मेंटेनेंस की सर्विस दे रहे हैं। और रशिया, जो कि फिलहाल एकमात्र ऐसा देश है जिसने भारत को एयरक्राफ्ट कैरियर भेज किया है, और इसलिए बिना उनके पार्टिसिपेशन के INS विक्रमादित्य की मेंटेनेंस करना बेहद मुश्किल है। और इसके अलावा कुछ टॉप सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने अपने MiG-29 फाइटर्स के लिए भी नाइट फ्लाइंग कैपेबिलिटी को हासिल करना शुरू कर दिया है। और जबकि अन्य एयरक्राफ्ट के साथ LAC पर जो नाइट फ्लाइंग की प्रोसेस है वो ऑलरेडी चल रही है। आज शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में LOC पर पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से की गई इस फायरिंग में इंडियन आर्मी के 36 साल के हवलदार सांबर गुरुंग काफी बुरी तरीके से घायल हुए थे, जिसके बाद उन्हें तेजी से अस्पताल भर्ती कराया गया था, लेकिन ज्यादा बुरी तरीके से घायल होने की वजह से फिर बाद में वे वीर गति को प्राप्त हुए। और रक्षा प्रवक्ता का कहना था कि हवलदार सांबर गुरुंग एक बहुत ही बहादुर, हाईली मोटिवेटेड और एक सिंसियर सोल्जर थे और ये देश उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी भी नहीं भूलेगा और ये सदा उनका ऋणी रहेगा। और हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और ये तीसरा दिन है जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। और जबकि गुरुवार को UNCTO में भारत की तरफ से पाकिस्तान को लेकर ये कहा गया है कि जिस समय भारत सहित पूरी दुनिया
ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देने और आतंकवाद के खिलाफ एक सक्रिय कदम उठाने पर काम कर रही है, तो ऐसे में पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य धारा की तरह बना हुआ है और ये लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए मिलिट्री, फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान कर रहा है। और जबकि 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट और 2008 के मुंबई आतंकी हमले सहित कई आतंकवादी हमलों पर भारत ने पाकिस्तान को कई ठोस सबूत साझा किए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इनमें से किसी पर भी आज तक कार्रवाई नहीं की है और ऐसा करके पाकिस्तान ने आतंकवाद के पीड़ितों को उनके न्याय के मौलिक अधिकार से वंचित रखा है। खैर, अब तक तो ये समझ आ गया है कि पाकिस्तान का जो मैप है वो जिस तरीके से दिखता है, पाकिस्तान की हरकतें भी कुछ वैसी रहती हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति सुजुकी की तरफ से जून 2020 तक इंडियन आर्मी को जिप्सी की 718 यूनिट्स डिलीवर की गई हैं। हालांकि मारुति सुजुकी जिप्सी जो कि पिछले साल डिसकंटिन्यू कर दी गई थी क्योंकि लेटेस्ट सेफ्टी और मिशन मेजर्स को पूरा नहीं कर सकती थी, हालांकि इंडियन आर्मी के लिए इसकी डिलीवरी को जारी रखा गया था क्योंकि मारुति सुजुकी की जिप्सी जब से पहली बार लॉन्च हुई है तब से ही ये इंडियन आर्मी की फेवरेट चॉइस रही है और इसका मुख्य कारण है इसकी परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और कहीं भी ऑपरेट होने की कैपेबिलिटी। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि मारुति सुजुकी जिप्सी के बदले इंडियन आर्मी ने जो टाटा सफारी स्टॉर्म को चुना था, ये व्हीकल डेजर्ट से लेकर हाई अल्टीट्यूड एरियाज पर पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है और जिसके चलते इंडियन आर्मी की सर्विस में इस जिप्सी को वापस लाया गया है। और बाकी इसके अलावा आज चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया सन वर्डन की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उनका ये कहना है कि भारत और चीन को पार्टनर्स होना चाहिए ना कि दुश्मन, और हमें एक दूसरे को खतरा देने के बजाय डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए और एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव, ओपन एंड इंक्लूसिव एटीट्यूड के साथ ही हम क्षेत्र में स्टेबिलिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं और साथ ही साथ किसी भी तरह के स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि भारत और चीन के रिश्ते को आगे बढ़ाने की जरूरत है ना कि पीछे ले जाने की, और दोनों देशों को अपने बीच किसी शक के बजाय एक विश्वास को बनाना चाहिए। और भी ऐसे ही इन्होंने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। अब वो बात अलग है कि चीन इन चीजों पर केवल बात ही करता है, उसने आज तक इन चीजों को अप्लाई करने की कोशिश भी नहीं की है। और वैसे भी अब भारत को इस क्षेत्र में चीन के साथ कोई भी पार्टनरशिप करने में कहीं भी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि भारत ने जितने बार चीन पर विश्वास किया है चीन ने उतने बार ही धोखा दिया है। और अगर चीन को कुछ करना ही है तो वो हांगकांग, तिब्बत और सिंजियांग जैसे एरियाज में डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को फिर से बढ़ावा दे सकता है। और इसके साथ आपको एक जानकारी और दे दें कि अमेरिका ने गुरुवार को चीन के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है जिसमें अमेरिका ने चीन में विगर मुस्लिमों के मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर शीर्ष चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। और इस कदम के बाद अब अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ना तय है क्योंकि अमेरिका ने शिनजियांग प्रांत में कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव चेन कुआंगो को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और इनके अलावा तीन और अन्य चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। और अमेरिका के एक सीनियर ऑफिशियल ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका की ओर से पहली बार चीन के इतनी बड़े रैंक के अधिकारी पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है और उन्होंने कहा कि ब्लैकलिस्ट करना कोई मजाक नहीं है, इससे न केवल एक संदेश जाता है बल्कि उस व्यक्ति की दुनिया भर में मूवमेंट करने और बिजनेस करने की आजादी भी खत्म हो जाती है। हालांकि अमेरिका में स्थित चाइनीज एम्बेसी ने इसे लेकर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।